हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 21st पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि असुर मंकी किंग और रूलाई को अपने काउंसिल में ले आते हैं और वहाँ रूलाई का सामना एक फाइटर बैगू से होता है। मंकी किंग भी मौका देखकर डाइशीटियान की तलवार को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि लुओ हाओ भी उसी तरफ आ रहा है। आगे का सीन असुरों के कैपिटल के खंडरों का है, जहां लास्ट टाइम देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई थी और मंकी किंग समझ जाता है कि वो तलवार यहीं कहीं छुपी हुई है। वहां उसे ढेर सारी और भी तलवारें दिखाई देती हैं और वो सोचता है कि आखिर मैं उस तलवार को कैसे पहचानूंगा। फिर वो एक एक करके उन सभी तलवारों को इकट्ठा करने लगता है और तभी उसे उस मेन तलवार की परछाई नजर आती है, जो सामने एक बिल्डिंग के टॉप पर रखी हुई है। वो समझ जाता है कि यही डाइशीटियान की तलवार है और तुरंत कूदते हुए उस तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे हाथ लगा पाए, एक हड्डियों से बनी तलवार उस पर अटैक कर देती है और वो देखता है कि लुओ हाओ उसे यहाँ रोकने आया है। लुओ हाओ कहता है कि तुम्हारी चालाकी मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि रूलाई को इसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। वो मंकी किंग को भी पहचान जाता है कि तुम वही डीमन हो जिसने 300 साल पहले हेवन में बहुत तबाही मचाई थी और आज तुम मेरे राज्य में चोरी करने आए हो। तब मंकी किंग उसे कहता है कि तुम हमें चोर नहीं बुला सकते, क्योंकि वैसे भी ये तलवार डाइशीटियान की है और इसके जाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लुओ हाओ भी उसकी बात से एग्री करता है कि उसे इस तलवार से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके प्राइड और ऑनर से जुड़ी हुई है। वो बताता है कि हेवन ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार डाला था, लेकिन हमने भी डाइशीटियान को ऐसा सबक सिखाया कि भागते हुए उसकी तलवार यहीं छूट गई। तब से ये हमारे लिए एक ट्रॉफी की तरह है जिसे हमने अपना खून देकर जीता है, और अगर फिर भी तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे लड़ाई में हराना होगा। मंकी किंग भी उसकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि आज तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लुओ हाओ एक बार फिर उसे समझाता है कि तुम जैसा डीमन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखता है कि मंकी किंग पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लुओ हाओ उसे कमजोर समझकर एक बराबरी का मौका देता है कि अगर तुम ये स्कल मुझसे छीन सके तो वो तलवार तुम्हारी हो जाएगी, और मंकी किंग भी ये शर्त मान जाता है। फिर हम उसे अपने गोल्डन स्टिक को बुलाते हुए देखते हैं और लुओ हाओ भी अपने वेपन्स को तैयार करता है। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाने लगते हैं, लेकिन लुओ हाओ अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर देता है। तभी वो देखता है कि मंकी किंग का शरीर फिर से जुड़ गया है और अब वो अपनी क्लोनिंग पावर का यूज कर रहा है। वो क्लोन से एक एक करके उस पर अटैक करने लगते हैं और उनकी गोल्डन स्टिक उसे चारों ओर से घेर लेती है, जिससे लुओ हाओ उसमें कैद हो जाता है। लेकिन वो एक ही झटके में उस कैद को तोड़ डालता है और उनकी ही स्टिक से उन क्लोन्स को नष्ट कर देता है। तभी वो देखता है कि एक जायंट स्टिक सीधा उसी की ओर आ रही है, जिसे मंकी किंग पुश कर रहा है, और वो स्टिक उसे लेकर एक चट्टान से जा टकराती है। ये देखकर मंकी किंग उसका बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब वो तलवार लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी एक पावर उसकी उंगली को काटते हुए चली जाती है और वो देखता है कि लुओ हाओ ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है, जिसके ओरा की पावर बहुत खतरनाक है। ये देखकर वो अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन लुओ हाओ की रेज का मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसे उछालकर दूर फेंक देता है। आगे का सीन काउंसिल का है, जहां हुजी उन्हें फाइट को कंटिन्यू करने को कहती है और रूलाई और ओनिकाटा आपस में भिड़ जाते हैं। ओनिकाटा को लगता है कि रूलाई पहले से बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन रूलाई कहता है कि बातों से ज्यादा मैं तुम्हारे अटैक देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो गुस्से में रूलाई पर वार करने आता है, लेकिन रूलाई अपने हाथों से उसे रोककर पीछे उछाल देता है और फिर पलटकर उसे एक जोरदार पंच देता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और ओनिकाटा देखता है कि ऑडियंस में उसका बेटा भी बैठा हुआ है। उसकी खातिर वो एक बार फिर हथियार उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो रूलाई पर अटैक कर पाए, डीमन शेक पीछे से आकर उसे मार डालता है। बाकी लोगों के साथ साथ रूलाई को भी बहुत गुस्सा आता है और तब डीमन शेक कहता है कि हम असुर अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं और ओनिकाटा यहाँ हमारी इंसल्ट करा रहा था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए रूलाई को मारने की कसम खाता है और ये सुनकर बाकी असुर भी जोश में आ जाते हैं। फिर वो हुजी के सामने एक शर्त रखता है कि अगर रूलाई मेरे हाथों मारा गया तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, और ये सुनकर हुजी को बहुत गुस्सा आता है। तब रूलाई उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है
और असुरों को समझाता है कि तुम्हें अपने लोगों को इस तरह सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। वो उन्हें लाइफ की रिस्पेक्ट करने को कहता है और बताता है कि कमजोर लोगों को भी जीने का पूरा हक है। ये सुनकर सारे असुर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि कमजोर लोग जीने के लायक बिल्कुल नहीं होते। डिमन शेक भी उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और बताता है कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आज तुम्हारा मरना तय हो चुका है। रूलाई समझ जाता है कि ये लोग बातों से बिल्कुल नहीं मानने वाले और वो डिमन शेक को अपना अटैक करने को कहता है। तब डिमन शेक अपनी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दोनों फाइट्स देख चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम कब कहाँ क्या चाल चलने वाले हो। वो खुद पहले अटैक करने से बहुत कतराता है, क्योंकि उसे पता है कि रूलाई पहले डिफेंड और फिर अटैक करता है। लेकिन रूलाई के भड़काने पर वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपना ब्लेड लेकर उस पर स्पीड चॉप अटैक करता है। रूलाई को भी इसी मौके की तलाश थी और वो उसके करीब आते ही उसे घूसा जड़ देता है, जिसे डीमन शेक उछलकर दूर जा गिरता है। वो एक बार फिर यही गलती दोहराता है, लेकिन रूलाई आगे से हटकर पीछे से उसे जमीन पर पटक देता है। डीमन शेक भी उसके मूव की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि इस बार तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, और अपने ब्लेड को उसके हाथ के आर पार कर देता है। असुर उसके इस अटैक से खुश हो जाते हैं और रूलाई सोचता है कि मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। डीमन शेक उसे बताता है कि ये घाव इतनी जल्दी नहीं भरने वाला और तुम जितनी पावर यूज करोगे तुम्हारा खून भी उतना ही ज्यादा बहेगा। फिर वो उस पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करने आता है और अपनी जान बचाने के लिए रूलाई को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो देखता है कि उसके हाथ से खून तेजी से बह रहा है और तभी डीमन शेक उस पर फिर से अटैक कर देता है। हर एक वार के साथ उसकी ताकत और बढ़ने लगती है और वो कहता है कि मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। फिर वो अपनी सोल ईटिंग पावर को समन करता है और रूलाई देखता है कि जमीन से बड़े बड़े हथियार निकलने लगे हैं। वो अचानक हुए इस हमले से खुद को नहीं बचा पाता और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।